भारत को एशियन गेम्स के रेसलिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जिताने वाली महिला रेसलर विनेश फोगाट अपने जीवन के दूसरी पारी की शुरुआत कर चुकी है। विनेश फोगाट ने गुरुवार 13 दिसंबर को अपने मंगेतर सोमवीर राठी के साथ 8 फेरे लेकर शादी कर ली है। विनेश ने ये शादी अपने गांव बलाली में की। इस शादी में पहलवान साक्षी मलिक, पुरुष पहलवान सुशील कुमार, बाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के साथ इलाके के सांसद दुष्यंत चौटाला समेत अन्य राजनेता भी मौजूद रहे। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है, विनेश फोगाट ने शादी में 7 फेरे नहीं बल्कि 8 फेरे लिए हैं। आठवां फेरा विनेश और सोमवीर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाने की शपथ ली। बताते चलें कि विनेश ऐसे परिवार से आती हैं जो दुनिया के लिए मिसाल है। विनेश के चाचा महावीर फोगाट हैं, जिन्होंने अपनी चारों ही बेटियों से रेसलिंग करवाई। उन पर आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल भी फिल्माई गई है, जिनमें उनकी मेहनत को दर्शाया गया है। विनेश को भी शुरुआती शिक्षा महावीर फोगाट ने ही दी थी। वहीं विनेश के पति सोमवीर राठी भी रेसलिंग करते हैं। वो नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। साथ ही दोनों रेलवे में जॉब भी करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से लव कुमार की रिपोर्ट।